एक ओर जहां देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की समस्या बनी हुई है, वहीं बिहार, यूपी और झारखंड के कुछ हिस्से में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। जी हां, यूपी के एक गांव में बारिश नहीं होने के कारण लोगों ने जनप्रतिनिधि को कीचड़ से नहलाया और औरतों ने कजरी गीत गाए। यहां ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश होगी। उधर बिहार के पश्चिमी चंपारण बगाह में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, जहां पानी के अभाव में थप गई धान की रोपनी मानसून के इंतजार में बैठे किसानों को इस बार बादलों ने निराश किया है। हफ्ते दिन पहले छिटपुट बारिश के बाद लगातार तीखी धूप हो रही है। आसमान में कभी कभार बादल मंडरा तो रहे हैं, लेकिन लगता है वे किसानों से रूठ गए हैं। धान के बिचड़े सूख रहे हैं। जिन किसानों ने पॉपिंग सेट के माध्यम से धान की रोपाई कर ली है, उनकी फसल पानी को तरस रही है। किसानों की माने तो जिले में 25 जून से धान की रोपनी प्रारंभ हो जाती है, जहां मानसून आने के बाद 2-3 दिन बारिश हुई है, उसके बाद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। वहीं कड़ी धूप से छात्र एवं छात्राएं छाता लेकर स्कूल और कोचिंग जाते दिखाई दे रहे हैं। दिन तो जैसे तैसे कट जा रहे हैं, लेकिन रात में वृद्ध बीमार महिलाएं और बच्चे पूरी नींद नहीं सो पा रहे हैं। गर्मी और उमस से सबका हाल बेहाल है। शहर हो या गांव, लोग बारिश के लिए ईश्वर से मुनहार कर रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही किसानों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ धान का बिचड़ा तैयार किया। कुछ किसानों ने अपनी निजी संसाधनों से रोपनी की। किसानों को उम्मीद थी कि बारिश से फसल की उपज अधिक होगी, अब वह आशा निराशा में बदल गई है। सिंचाई के अभाव में खेतों में दरारें फट गई हैं, फसलें सूख रही हैं, किसान परेशान हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण बगाह से चंदन कुमार की रिपोर्ट।